YouTube चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आप लोगों के 5 मॉक कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। मैं लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपकी वीडियो इवनिंग में अपलोड हो जाएगी, लेकिन कुछ कैमरे के कारण आपकी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। वो क्यों? क्योंकि वीडियो में वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ठीक है। सो कल आपकी वीडियो नहीं आ पाई, आज आपकी वीडियो आ रही है। और साथ में जो मॉक थे 5 आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के, वो आपके कंप्लीट हो गए हैं। जिन बच्चों ने मॉक अभी तक परचेज नहीं किए हैं, वो मॉक कभी भी किसी टाइम भी दे सकते हैं। 5 मॉक के आपके हर एक मॉक का आपका 5 अटेम्प्ट रहेंगे। सो आप मॉक किसी भी टाइम पर परचेज कर सकते हैं, कभी भी मॉक दे सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ अभी जितने भी बच्चे रजिस्टर हैं, उनमें मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं, सर हम अभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जब तैयारी हो जाएगी तब मॉक देंगे। वो आपके अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन मॉक बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, वहां से अपने आप को रजिस्टर करें और एग्जाम की तैयारी करें। अब हमने लास्ट फर्स्ट क्लास में पढ़ा था आपका थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट का बेसिक, सेकंड क्लास में पढ़ा था हमने आपका 3 एट्रीब्यूट का जो कंटेंजेंसी टेबल पढ़ा था। उसमें एक चीज बताना भूल गया हूं, जो आपका 2 एट्रीब्यूट का कंटेंजेंसी टेबल बनता है उसे बोलते हैं 9 स्केयर टेबल, या बोलते हैं 2x2 स्केयर टेबल। ये एग्जाम में इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब हम यहां पढ़ने वाले हैं कि इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट या एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में, और पढ़ेंगे हम यहां पे आपका कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा के बारे में। क्या है, देखो ये न्यूमेरिकल हमने लास्ट क्लास में किया है और ये न्यूमेरिकल हम आज करने वाले हैं, लेकिन दोनों न्यूमेरिकल के थ्रू आपको डिफरेंस बताऊंगा कि कौन सा डाटा आपका कंसिस्टेंट होता है, कौन सा आपका यहाँ पे इनकंसिस्टेंट होता है। क्या है, देखो अगर मैं इसको निकालता हूँ तो इसका टेबल कैसे बनेगा आपका, यहाँ ए अल्फा बी और बीटा टेबल बनेगा यहाँ से इसका, है ना। तो हम टेबल यहाँ ड्रॉ करते हैं इसका, ये बन गया टेबल। यहाँ क्या रहने वाला आपका टोटल, है ना, आपका यहाँ टोटल आएगा। अब देखो क्या है आपको इन्फॉर्मेशन गिवन, ये आपको बनेगा आपका ए बी बनेगा आपका यहाँ पे, ए बी बनेगा आपका यहाँ। तो ए बी कितना है आप बोलोगे, यहाँ पे 60 है। कितना आपका यहाँ पे ए बी आपका 60 है। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इस इंफॉर्मेशन को, इस टेबल को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं आपका नीचे, ना। क्या बनेगा आपका यहाँ, देखो ए अल्फा बी और बीटा, है ना, ये आपका टेबल बन गया। यहाँ पे आपका टोटल आएगा, यहाँ पे एन आएगा आपका, एन आपका जीरो ऑर्डर क्लास वैकेंसी है। बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको बता दूं यहाँ पे इसके बारे में टोटल, है ना, ये आपका आएगा ए बी क्लास वैकेंसी। तो ए बी कितना है आपका यहाँ पे, आप बोलोगे 60, ठीक। उसके बाद ए कितना है आपका यहाँ, बोलोगे 100, ये आपका ए आएगा ना यहाँ पे, ये कितना आपका यहाँ पे 100। अब बी कितना है आपका यहाँ, बोलोगे बी है आपका यहाँ पे 80। तो बी कहाँ आएगा आपका यहाँ पे, यहाँ पे आएगा बी आपका, तो बी कितना है आपका यहाँ 80, ये आपका बी आ गया यहाँ निकल के। अब और क्या है, ये आपका है एन इक्वल टू 200, एन इक्वल टू कितना आपका 200, तो ये ऑब्वियसली कितना होगा आपका यहाँ पे 100 हो जाएगा, है ना टोटल। अब बी अगर आपका 80 है तो आपका बीटा निकल के आएगा यहाँ पे 120, कितना निकलेगा 120। और क्या गिवन आपको यहाँ पे, और कुछ गिवन नहीं आपको, है ना। अब निकालो यहाँ पे, ये 60 है तो ये बनेगा आपका 40, ये 40 है 120 है ये आपका आएगा 80, ये 60 है बनेगा 20 बनेगा 80, ये आपका 100 आ गया। ये आपका कंटेंजेंसी टेबल फॉर 2 एट्रीब्यूट बन के आ गया। अगर बात करूं बेटा यहाँ पे इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन क्या गिवन है आपका, यहाँ देखो अल्फा ए अल्फा बी और बीटा, यही गिवन आपको यहाँ। सो ये आपका टोटल है, यहाँ पे भी क्या आएगा आपका टोटल आएगा, ये क्या आएगा आपका यहाँ पे एन, और n किसके बराबर है यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 500, कितना आपका n इक्वल टू 500, n आपका 500 है। और a कितना है आपका, a आपका यहाँ आएगा, a कितना आपका यहाँ 400, है ना। और क्या गिवन आपको यहाँ पे, a बीटा वो कितना आपका 270, a b ये कितना आपका यहाँ पे 270 प्लस, और क्या गिवन आपको यहाँ, b b कितना आपका यहाँ पे 380, कितना आपका यहाँ पे 380, है ना, यही सब गिवन आपको यहाँ। अब क्या है, अगर ये 380 है तो ऑब्वियसली ये कितना बनेगा आपका 120 बनेगा, है ना, ये आपका 270 है तो ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 130, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 130। ये 400 है तो ये ऑब्वियसली कितना बनेगा आपका यहाँ पे 100, कितना बनेगा 100। ये 270 है ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 110, 380 हो गया। लेकिन ये कितना बन के आएगा -10, कितना बन के आएगा आपका -10, बात समझ आई आपको यहाँ पे। अब क्या है देखो आपका यहाँ पे, अगर ये आपका -10 बन के आ रहा है, और दूसरी बात क्या है, जो आपका ए है या जो आपका अल्फा है, जो आपका बी है या जो आपका यहाँ पे बीटा है, वो सभी अगर मैं बात करूँ, ठीक है, सो ए बी जो है 270 है, ए कितना आपका 400,
अल्फा बी कितना है 110, ये कितना आपका 100। अगर मैं इसमें बात करूं यार, इन दो में अगर रिलेशन निकालूं, इसमें और इसमें रिलेशन निकालूं, जहां इसमें और इसमें रिलेशन निकालूं आपका, तो देखो क्या है, जो आपका ए बी है, जो कि आपका यहां पे ए बी है, ठीक है, और जो आपका ए है, इसमें रिलेशन क्या है, जो आपका ए बी है वो हमेशा लेस देन क्या होगा आपका ए से। ये बात समझ आ रही है आपको? यहां ए बी हमेशा लेस देन इससे होगा, बी बीटा भी आपका लेस देन इससे होगा, सॉरी आपका ए बीटा भी लेस देन इससे होगा हमेशा आपका, फिर अल्फा बी आपका इससे लेस देन होगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा इससे आपका लेस देन होगा, लेकिन ये इस केस में क्या है आपका बड़ा आ रहा है, क्या आपका यहाँ पे बड़ा आ रहा है। तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर ए 32 है आपका, ए बी आपका 70 है, तो ए हमेशा मेरे पास ए बी से आपका बड़ा होना चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। जो ए है हमेशा वो क्या होना चाहिए आपका यहाँ पे। तो बात करूँ जो आपका, जो आपके सिंगल ऑर्डर एट्रीब्यूट है, जो आपके सिंगल ऑर्डर ऑफ क्लास फ्रीक्वेंसी है, वो आपके डबल ऑर्डर से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। ये बात आपको यहाँ समझ आई इतनी। अब क्या है, जैसे ही आपका नेगेटिव आया, जैसे ही आपका नेगेटिव कैसा बन गया मेरे पास, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि इनकंसिस्टेंट जो आपकी कंसिस्टेंसी है उसका मतलब है कि कोई भी आपकी क्लास फ्रिक्वेंसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कोई भी आपकी क्लास फ्रिक्वेंसी यहाँ पे नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आपका नेगेटिव आया, इसलिए आपका कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट डाटा हो गया, और ये क्या हो गया आपका यहाँ पे कंसिस्टेंट डाटा हो गया। तो इसे बोल सकते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा, या कंसिस्टेंसी डाटा, या बोल सकते हैं आपका यहाँ पे कंसिस्टेंसी ऑफ क्लास फ्रिक्वेंसी, और इसे क्या बोलेंगे आपका यहाँ पे इनकंसिस्टेंट। क्या है आपको यहाँ पे दो चीज़ें याद रखनी है, स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लोगे यहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ दो चीज़ें याद रखनी है। वो दो चीज़ें क्या है, पहली चीज़ जो क्लास फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, शुड बी ग्रेटर देन जीरो, शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये क्लास फ्रिक्वेंसी आपकी कितनी होगी, ग्रेटर देन जीरो, चाहे सिंगल की बात करो, ठीक है, आपकी हमेशा क्या होगी यहाँ पे ग्रेटर देन क्या होगी आपकी, जीरो होगी। दूसरी बात क्या है, एनी क्लास फ्रिक्वेंसी मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू n, ठीक है, जो क्लास फ्रिक्वेंसी है वो हमेशा क्या होगी n से छोटी होगी, ये क्या है आपकी, और ये क्या है n से आपकी छोटी है, ये भी n से छोटी है, ये भी n से छोटी है, सभी आपकी यहाँ पे क्या है n से छोटा है। लेकिन दूसरा क्या बोला गया है, जो आपकी क्लास फ्रिक्वेंसी है वो आपकी जीरो से मेरे पास क्या होनी चाहिए यहाँ पे, बड़ी होनी चाहिए। ये आपका यहाँ पे दो रिलेशनशिप निकल के आते हैं मेरे पास, ये दो आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दो इसके मेन जो है, हम बोल सकते हैं इसकी दो, इसके मेन रीजन या दो फैक्टर क्या है यहाँ पे इसके, ठीक है, हम बोल दो नेसेसरी कंडीशन क्या है आपकी यहाँ पे इसकी, ठीक है, कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा होने के लिए। तो आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर होगी होगी, है ना। अब क्या है, उसके बाद हम देखते हैं आपके एट्रीब्यूट दो तरह के लाई करते हैं, एक है आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, और दूसरा क्या है आपका यहाँ पे एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक। अब अगर बात करूँ इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट के बारे में, तो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब है टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। कब बोलेंगे इसको इंडिपेंडेंट, जब क्या है इन दोनों के बीच में आपका इफ देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम, अगर दो एट्रीब्यूट के बीच में आपका कोई रिलेशनशिप नहीं है तो हम बोल सकते हैं वो क्या है आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रीब्यूट्स, कि आपके एट्रीब्यूट फर्स्ट वाला सेकंड पे या सेकंड वाला फर्स्ट पे आपका डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। और क्या है, टू एट्रीब्यूट आर ऑल्सो सेड टू बी इंडिपेंडेंट व्हेन दे डू नॉट हैव एनी टेंडेंसी टू प्रेजेंट टुगेदर और वन प्रेजेंट डज नॉट गार्ड द एब्सेंस ऑफ अदर। मतलब आपको बोल सकते हैं कि इन दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है, इन दोनों का एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो, जेंडर एंड ब्यूटी, ठीक है, एक में हम जेंडर ले रहे हैं, दूसरे में हम ब्यूटी ले रहे हैं, एक में हम डेफनेस बोल रहे हैं, दूसरे में हम ब्लाइंडनेस बोल रहे हैं, तो इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं बन के आ रहा है, ठीक है, आपका एक सक्सेस है और एक क्या है आपका यहाँ पे इंटेलिजेंस है, तो इनमें कोई रिलेशन नहीं आपका निकल के आ रहा, नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब कैसा होगा आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, क्या होगा आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। अब क्या है, एक एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे ए अल्फा बी और बीटा के बारे में। यहां क्या है देखो आपका, अगर मैं इसका कंटिजेंसी टेबल बनाता हूं ए अल्फा बी और बीटा, ये बनाया यहां पे इसका कंटिजेंसी टेबल, है ना, ये आएगा टोटल, ये भी क्या आएगा आपका यहाँ से इसका ये टोटल, है ना, ये आपका n आएगा, ये आपका a b, ये अल्फा b, ये a बीटा, ये अल्फा बीटा, ये आपका b, ये आपका बीटा, ये आपका a और ये आपका अल्फा, ये बन गया आपका यहाँ पे। अब क्या है देखो बच्चों, यहाँ से आपका अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी एक कंपोनेंट को हम उठा जाए, किसी भी क्लास फ्रिक्वेंसी को उठा लें, कि ए बी का मतलब क्या है, ए बी का मतलब है ए मेल, और बी का मतलब क्या है आपका यहाँ से मेरे पास आपका लिटरेट, ये आपका लिटरेट है, ये क्या है आपका यहाँ पे
इलिटरेट है, ये आपका मेल है और ये क्या है आपका यहाँ पे फीमेल है, है ना। अब क्या है यहाँ पे आपका, मैं किसी भी एक फ्रिक्वेंसी की बात करूं, ये ए बी अल्फा बी, आप सभी का नाम यहाँ बोल सकते हो। जैसे बोलूंगा यहाँ पे ए बीटा का मतलब क्या है, आप बोलोगे मेल विच आर इलिटरेट, क्या बोलोगे मेल विच आर इलिटरेट। आपको मेन क्या याद रखना है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट है वो आप निकालते कैसे हो, वो आप यहाँ पे निकालते कैसे हो, कैसे निकालते हैं यहाँ पे हम बात करें। ए फॉर्मूला याद रखना आपको यहाँ पे, क्या फॉर्मूला आपका यहाँ पे ए, ठीक है, बी अपॉन ए, ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू, जब आपका ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ पे अल्फा बी अपॉन अल्फा, ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू अगर आपका अल्फा बी अपॉन अल्फा होगा तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। मतलब जब आपका न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे, अगर इसकी रेशो और इसकी रेशो आपके बराबर आ रही है तो मतलब क्या है आपका जो एट्रीब्यूट है वो कैसे आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, कैसे आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। अब हम कैसे रीड करते हैं यहाँ पे ए, इस फॉर्म को जो आपका यहाँ पे है इसको कैसे रीड करते हैं, हम बोलेंगे ए बी अपॉन ए, ए बी का मतलब क्या है आपका यहाँ पे मेल लिटरेट, क्या बोलेंगे मेल लिटरेट, और वहां पे आपका जो दूसरा है उसका मतलब क्या है आपका, उसका मतलब है आपका यहाँ पे फीमेल लिटरेट, क्या बोलेंगे फीमेल लिटरेट। तो इसको रीड करते हैं, प्रोपोर्शन ऑफ मेल लिटरेट इज इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल लिटरेट, कैसे बोलते हैं यहाँ पे इसको आपका, प्रोपोर्शन ऑफ मेल लिटरेट इज इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल लिटरेट, फीमेल लिटरेट। अब ये आपका रिलेशन और किसी तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, वो कैसे, मैंने कैसे याद रखा है इसको, देखो यहाँ पे आपका हम कैसे बनाते हैं इसको, मैं अपने टाइम पे कैसे एग्जाम जैसे बी लिया हमने दोनों साइड पे, ठीक है, बी दोनों आपके बराबर होंगे, है ना, यहाँ पे ए ए ले लो, यहाँ पे आप अल्फा और अल्फा ले लो, तो इसको आप फ्रिक्वेंसी बना दो, ये आपका सॉल्व हो गया। ऐसे बना सकते हो, किसी और का भी लेके चल सकते हो ना आप, वो आपका रीड करने पे डिपेंड करेगा कि किस किस का प्रोपोर्शन आप यहाँ पे बराबर कर रहे हो। कैसे बोलोगे यहाँ पे आप देखो, जैसे मैं लूँ यहाँ पे ए, क्या लिया मैंने आपका दोनों साइड मैंने ए ले लिया, अब यहाँ लगाना पड़ेगा आपको बी, यहाँ लगाना पड़ेगा आपको बीटा, तो वैसे यहाँ पे बी और यहाँ पे क्या लगाओगे आप बीटा, तो ये आपका प्रोपोर्शन बन गया। ये कौन सा प्रोपोर्शन बना आपका यहाँ पे, आप बोलोगे फीमेल, सॉरी आप इसको रीड करोगे यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ ये क्या है आपका बी, इस बी का मतलब है आपका जैसे आपने यहां बोला ए बी अपॉन ए, तो ए किसको बोला आपने यहां पे मेल को, किसको बोला आपने यहां पे मेल को, तो वैसे ही आपका बी यहां पे क्या है, बी है आपका यहां पे लिटरेट, तो आप बोलोगे प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ ए आपने दोनों में कॉमन है, हाँ प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट मेल इज इक्वल टू द प्रोपोर्शन ऑफ इलिटरेट मेल, है ना। तो ये आपका रीड करने का तरीका है, लेकिन आपको एक याद रखना है, अब क्या है देखो आपका यहाँ से, अगर ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा बी अपॉन अल्फा होगा तो ये बन गया आपका यहाँ पे क्या मेरे पास, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, कि आपके जो दो एट्रीब्यूट है वो क्या है आपस में एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ क्लियर होगी होगी। अब क्या है उसके बाद आपका यहाँ, अगर मैं बात करूँ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट से होते हैं, तो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट का मतलब है कि आपका जो एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, वो दूसरे से आपका एसोसिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब अगर दोनों प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट नहीं है, एक प्रेजेंट है और दूसरा आपका एब्सेंट है, ये आपके केसेस बनेंगे। तो टू एट्रीब्यूट आर सेड टू बी एसोसिएटेड इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बट आर रिलेटेड इन सम अदर सम वे, ठीक है, वो आपस में करते हैं एक दूसरे से मेरे पास रिलेट करते हैं, कैसे, जब दोनों आपके प्रेजेंट हो सकते हैं, जब दोनों आपके एब्सेंट हो सकते हैं, जब एक प्रेजेंट होगा दूसरा आपका यहाँ पे क्या होगा एब्सेंट होगा, ठीक है। मैं एग्जांपल यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव आपका दो एसोसिएशन लेता हूँ, आपके एसोसिएशन दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है यहाँ पे नेगेटिव। पॉजिटिव बोलता हूँ जब आपका क्यू क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये आप आगे पढ़ने वाले हो, अब क्यू क्या है आपका यहाँ पे यूज कोफिशिएंट। उसके बाद जब आपका क्यू क्या है लेस देन इक्वल टू, क्या बोल सकता हूँ आपका जो Q है वो क्या है आपका यहाँ पे लेस देन इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, तो आपका ये क्या बन के आएगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू माइनस वन तो बनेगा आपका यहाँ पे नेगेटिव एसोसिएशन। और जब आपका Q क्या होगा, Q आपका इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा वन, तो उसे बोलेंगे हम यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। अब क्या है आपको यार इस लेक्चर में, एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपका
कंसिस्टेंट कब है, कंसिस्टेंट कब नहीं है, ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। उसके दो मेरे पास जो कंडीशन है वो याद रखनी है। ये फॉर्मूला आपको यहाँ याद रखना है। अब इस फॉर्मूला को हम डिराइव करके एक दूसरा फॉर्मूला भी निकालते हैं। ये आपका है प्रोपोर्शन मेथड वाला फॉर्मूला। क्या है आपका यहाँ पे? प्रोपोर्शन मेथड या प्रोपोर्शन फॉर्मूला बोलते हैं इसको यहाँ पे। अब आपने एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला निकालना है। वो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या लाई करता है, देखो यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला आपका लाई करता है यहाँ पे क्या, अगर आप ए बी ठीक है अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन अल्फा लेते हो, ये लिया आपने यहाँ। अब क्या बोल सकते हैं आप यहाँ पे कि जो आपके एक आपने मेथड पढ़ा होगा ना, एबनिशियो मेथड, सॉरी उसको हम बोलते हैं आपका कॉम्पिटेंडो एंड डिविडेंडो रूल। वो क्या रूल है आपका यहाँ पे, अगर आपका ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है तो ए प्लस सी अपॉन बी प्लस डी आप यहाँ पे इसको कर सकते हो, है ना। तो करो यहाँ पे इसको अप्लाई, क्या बनेगा आपका ये, इन दोनों को ऐड करेंगे बनेगा ए बी प्लस अल्फा बीटा अपॉन ए प्लस अल्फा बन गया आपका। और इन दोनों में से आप किसी भी एक साइड को ले लो, आपने ले लिया यहाँ पे इस साइड को, तो ए बी अपॉन ए हो गया आपका यहाँ, है ना। अब क्या है देखो, अगर आप इसको ऐड करते हो तो दोनों में आपके ए और अल्फा है, बी आपका यहाँ पे क्या है मेरे पास, आपका बी यहाँ पे कॉमन है, बी क्या आपका यहाँ पे कॉमन, तो आपका सिर्फ बच जाएगा यहाँ पे बी, क्या बचेगा बी, और ए प्लस अल्फा निकल के आता है आपका एन, क्या निकलता है एन। ऐड करोगे यहाँ से तो आपका ये फॉर्मूला क्या बन के आएगा, एन इक्वल टू ए इंटू बी अपॉन ए बी अपॉन क्या बनेगा आपका यहाँ पे ए बी, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आता है। अब फिर से ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है आपका इंडिपेंडेंस, जब आपका एन किसके बराबर होगा, ए और बी की फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के अपॉन ए बी की जो आपकी क्लास फ्रीक्वेंसी है उसके। सो आपका सिस्टम क्या बनेगा यहाँ पे, आपका जो आपके एट्रीब्यूट कैसे होंगे यहाँ पे, इंडिपेंडेंट होंगे। लेकिन अब बात आती है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन की। जैसे बात करूँ वैक्सीनेशन एंड क्योर, क्या बात करूँ, वैक्सीनेशन एंड क्योर, जब बात करूं आपका यहां पे इलिटरेट एंड पॉवर्टी, है ना। अब ये दोनों आपके एब्सेंट होंगे या दोनों आपके प्रेजेंट होंगे, यही मैंने बोला ना आपको यहां पे, अगर वैक्सीनेशन करोगे तो आप क्योर हो जाओगे, दोनों प्रेजेंट है आपके, ठीक है। इलिटरेट होंगे तो गरीबी आएगी, तो ये भी क्या आपके यहां पे दोनों क्या है मेरे पास, आपके प्रेजेंट है। लेकिन अगर बोलूंगा वैक्सीनेशन, ये आपका फर्स्ट एट्रीब्यूट है, एंड चांसेस ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है। अब देखो वैक्सीनेशन करोगे तो आपके चांसेस ऑफ हार्ट अटैक तो नहीं होंगे ना, तो इसका मतलब ये आपका क्या है, एक प्रेजेंट है, दूसरा क्या है आपका यहाँ पे एब्सेंट है। तो ये आपके केसेस लाई करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एसोसिएशन इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट में, क्लियर। अब देखो पॉजिटिव एसोसिएशन और नेगेटिव एसोसिएशन पे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेंगे, पहला यूज कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी है इसकी, ग्रेटर देन 1, इसकी आपकी यहाँ पे मेरे पास ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एक बात होगी आपकी यहाँ कि मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 1, मतलब जो आपको क्यू है इसकी वैल्यू लाई करती है आपकी -1 से 1 के बीच में, ये आपका यहाँ पे आपको याद रखना है, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना आप, और 1 होगा तो मेरे जो आपका यहाँ पे 0 होगा, यार मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे भी, ठीक है। अब आपका यहाँ पे जब आपका 0 होगा तब क्या होगा आपका यहाँ पे, इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट होगा, ठीक है, इसको याद रखना है यहाँ पे आप। नेक्स्ट क्लास में हम यूज कोफिशिएंट पढ़ने वाले हैं, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, वहाँ पे ये आपको प्रॉपर तरीके से बता दूंगा, ठीक है। अब क्या है जो आपका पॉजिटिव एसोसिएशन है बेटा यहाँ पे, वो क्या लाई करता है, अगर आपका जो ए बी अपॉन ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी अपॉन अल्फा, जब आपका ये बड़ा होगा तो क्या लाई करेगा आपका यहाँ पे, ये आपका पॉजिटिव एसोसिएशन, और जब ये क्या होगा आपका छोटा होगा, ए बी अपॉन ए इज लेस देन अल्फा बी अपॉन अल्फा, ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे, नेगेटिव एसोसिएशन, ठीक है। और साथ में आपका जो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले में क्या करेगा आपका, देखो यहाँ पे ये है आपका इंडिपेंडेंट, लेकिन अगर क्या होगा एन आपका बड़ा होगा इससे तो आपका लाई करेगा यहाँ पे पॉजिटिव, और अगर एन आपका लेस होगा तो क्या लाई करेगा आपका यहाँ पे, नेगेटिव एसोसिएशन। मैं यहाँ पे जितना भी हमने पढ़ा अभी आज की क्लास में उसका एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ सब सब कुछ लिख रहा हूँ आपका, देखो क्या है आपका यहाँ, सबसे पहले इंडिपेंडेंस और आपका एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट। इसमें क्या है आपका देखो, अगर आपका ए बी अपॉन ए
इज इक्वल टू अल्फा बी अपॉन अल्फा, तो ये क्या लगेगा आपका यहाँ पे, ये आपका होगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट। और अगर क्या होगा, ए बी अपॉन ए इज ग्रेटर देन ए बी अपॉन अल्फा, ये क्या होगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन, क्या होगा पॉजिटिव एसोसिएशन। और अगर ए बी अपॉन ए इज लेस देन ए बी अपॉन द अल्फा बी अपॉन अल्फा, ये क्या लाइक रहेगा आपका यहाँ पे नेगेटिव। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे लाइक करती है। और वैसे सेम क्या होगा आपका यहाँ पे, जो आपका एन है वो अगर क्या होगा इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी, क्या होगा इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी, टेन का लेकर आपका यहाँ पे इंडिपेंडेंट। और जब क्या होगा एन इक्वल टू क्या लाइक करेगा आपका यहाँ पे ग्रेटर देन, क्या लाइक करेगा आपका ए बी अपॉन ए बी, तब क्या होगा आपका यहाँ पे पॉजिटिव एसोसिएशन। और अगर एन क्या होगा लेस देन होगा ए बी अपॉन ए बी, देन क्या लाइक करेगा आपका यहाँ पे नेगेटिव एसोसिएशन, है ना, ये चीज़ें लाइक करेगी। और दूसरा क्या है, जो क्यू है उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी माइनस वन से वन के बीच में, अगर वन होगा तो क्या होगा पॉजिटिव, माइनस वन होगा सॉरी, अगर जीरो से वन के बीच में लाइक करेगी, जीरो से वन के बीच में लाइक करेगी तो उसे बोलेंगे आपका यहाँ पे क्या होगा पॉजिटिव, और आपका यहाँ पे अगर जीरो से माइनस वन के बीच में लाइक करेगी तो नेगेटिव, और आपका अगर यहाँ पे क्यू इक्वल टू जीरो होगा तो आपका क्या लाइक करेगा यहाँ पे मेरे पास इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट। उसके साथ जब आपका एग्जैक्टली इक्वल टू वन होता है, जब आपका एग्जैक्टली इक्वल टू माइनस वन होता है, वहाँ पे भी आपके दो अलग अलग केसेस बन के आते हैं, वो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे, जब आपको नेक्स्ट क्लास बताऊंगा यूल कोफिशियंट की, वहाँ पे आपको उसके बारे में प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। क्लियर गाइस? सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी होगी। मैंने थोड़ा जल्दी से वीडियो बनाई है क्योंकि वीडियो आपको देना जरूरी था, बहुत दो एक दिन से आपकी वीडियो नहीं आई थी, लेकिन आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। गाइस आपको इस वीडियो के दो तीन घंटे के बाद एक और वीडियो मिलने वाली है स्टार्ट की ना, तो आपका टॉपिक कंप्लीट होगा, ठीक है, और उसके बाद हम आपका नेक्स्ट टॉपिक में मूव करेंगे। दो टॉपिक रह गए हैं आपके, एक आपका सेंसेस रह गया है और एक आपका रह गया है यहाँ पे वाइटल इवेंट रह गया है एक आपका, और एक आपका रह गया है एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज के बारे में, ठीक है, तो टाइम सीरीज के बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर गाइस? सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।